गोइंग, ट्रैफिक लाइट है। सो हेलो एवरीवन, आई होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस ठाकुर ऑफिशियल। काफ़ी दिनों के बाद एक्चुअली मेरा व्लॉग आ रहा। मैं हूँ अभी गांधीनगर में और हम आए थे एक्चुअली गांधीनगर में पासपोर्ट ऑफिस में। मेरे फ्रेंड को पासपोर्ट रेडी करवाना था, अपना अप्लाई कर रहा था पासपोर्ट। तो कम से कम उसने एक घंटा लगा दिया। एक्चुअली मुझे वे मॉल भी जाना था और एक घंटा लगाया उसने लिटरली। क्या मुझे क्या बता, तू क्यों, तू कहाँ जा रहा है? वहाँ बेटा, इधर से इतनी दूर से गाड़ी मोड़ते हैं। तो हम आए थे कुछ काम के लिए, काम हो चुका है ख़त्म एंड अभी मेरे को जाना है वेव मॉल। मुझे एक माइक अडाप्टर ख़रीदना है क्योंकि आपको पता ही है जो मेरा वॉइस है एक्चुअली, क्योंकि बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइस आता है तो इसकी वजह से मेरा जो वॉइस है आपको क्लियर नहीं आता। तो इसके लिए मैं एक माइक अडाप्टर ले रहा हूँ क्योंकि मैंने टेस्ट वगैरह कर लिया था उसका, मगर आई नो कि आपके पास अडाप्टर बढ़िया होना चाहिए। बाकी तो अडाप्टर जब मेरे पास आ जाएगा देन सो जो ये आपको नॉइस बाहर सुनाई दे रही है मेरी वॉइस के अलावा, आपको जो एक साउंड सुनाई दे रही है डिस्टर्बेंस जितनी भी है सब क्लियर हो जाएगी। मैंने एक्चुअली चेक कर लिया था। सो अभी हम निकलते हैं यहाँ से। पहले तो हाँ जी सर, देखिए अब क्या बोल सकते हैं। तो सही बात बोल रहे बिल्कुल, एक्चुअली आप लोग बिल्कुल। तो रूल्स जितने भी हैं प्लीज़ फॉलो करिए। और तो रूल्स जितने भी होते हैं बिल्कुल फॉलो करने चाहिए, वो भी ट्रैफिक वाले सर भी यही बता रहे थे कि मतलब कोई फॉलो नहीं करता है, आप आगे आ जाइए क्योंकि ये लाइंस फालतू में लगाई गई हैं, लोग कोई भी इसको कोई मतलब फॉलो करना चाहिए ये चीज़ों को। आपको अगर लाइंस वगैरह वहाँ पे दिया हुआ है वो वॉक इन का एरिया है एंड आप लोग क्या करते हैं कि आगे तक चले जाते हैं। सो इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखो। और बाकी तो यार जितने रूल्स है फॉलो किया करो। आप इसको अच्छा फ्यूलिंग भी करवा लीजिए। नहीं नहीं नहीं, कहाँ पे, साइड पे करो, मैं करता हूँ। हाँ हाँ एक मिनट। तो अभी एक भैया मिल गए थे और उनको एक्चुअली कुछ डाउट्स क्लियर करने थे अपने, सो वो हमने उनको क्लियर कर दिए हैं। एंड तो अरे वो सेटअप के बारे में पूछ रहा था, कह रहे भैया एक मिनट जल्दी में नहीं हो तो एक मिनट रुक जाओ। मैंने कहा ठीक है साइड पे लगा ले। तो फाइनली अभी हम निकल रहे हैं वेव मॉल की तरफ और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कन्फर्म कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे रिलायंस है। वहाँ पे एक्चुअली मुझे लगता है कि हो सकता है क्योंकि GoPro का माइक अडैप्टर, सो हमारे लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी आपके लिए। तो जो भी नए आ रहे हैं वीडियोस पे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब भाई। सो काफ़ी दिनों के बाद मैं एक्चुअली बाहर भी निकल रहा हूँ और व्लॉग भी काफ़ी दिनों के बाद कर रहा हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मेरा ना थोड़ा सा काम बहुत अच्छी हो गया था तो उसकी वजह से मैं एक्चुअली व्लॉग नहीं कर पा रहा था क्योंकि बहुत बिजी हो गया था, मैं वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा था। तो इसकी वजह से मैं व्लॉग
से भी पहले बोल दिया है, बट फिर दोबारा बोल रहा हूँ, एंड अगली बार से व्लॉग्स हमारे डेली आएंगे। यार ये उधर क्यों चला गया? पहले उसको पकड़ते हैं यार। अच्छा चलो यहीं, और भूख लग रही है मेरे को बहुत। अब जाके सीधा वे मॉल में जाके पहले चेक करते हैं कि गोप्रो का अडैप्टर वहाँ पर मिलता है। मेरा फ्यूल भी नहीं है इसमें, और इसको एक्चुअली मैंने आए 25 दिन के बाद निकाला है अराउंड बाइक को, नहीं 25 नहीं सॉरी 20 डेज़ के बाद एक्चुअली, क्योंकि मैं ब्लॉक करने के गया नहीं था, बाइक घर पर ही पड़ा हुआ था और बाहर भी नहीं निकल रहा था। बाहर तो मैं एक्चुअली स्कूटी वगैरह लेके जा रहा था, और ट्रैफिक इतना है ना भाई, गॉड निकलने के बाद। ट्रैफिक में R15 चलाते हुए ना हालत खराब हो जाती है, एंड मुझे यही होता है वो गया किधर। सो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं रेडिसन ब्लू के पास, और हमको जाना है वे मॉल, आई डोंट नो वेयर ही इज, और आगे ट्रैफिक रेड लाइट आ चुकी है। कहाँ जा रहे हो? कोई तो आगे लाइट एक्चुअली आ गया, और सो लाइट एक्चुअली ट्रैफिक लाइट आया था तो वो सीधा निकल गया, तो बच गए बिल्कुल, थोड़ा सा रह गया था एक्चुअली में। और किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। अब वो कहाँ गया है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ? वो तो मेरे को मिल ही नहीं रहा है। वो एक्चुअली आगे निकल गया है और चुका है गुरुद्वारा पुलिस से। आगे जब आप आओगे तो वहाँ पे ये हुंडई का शोरूम है, और अभी मेरे को लेना यहाँ से राइट टर्न। तो सामने गुरुद्वारा है, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। और अभी हम जा रहे हैं, वे मॉल पहुंचने वाले हैं, एंड इसका सर्विस भी एक्चुअली कुछ महीनों में एक्चुअली आने वाला है। और ये रहा अपना फ्रेंड्स, और साथ में चल रहा है यामा का शोरूम, एंड भाई मैंने पूरे अराउंड 15 साल यहाँ पे निकाले हैं, और आफ्टर दैट अभी हम शिफ्ट हो चुके हैं जानीपुर में। तो फाइनली अपन पहुंच चुके हैं वेव मॉल, काफ़ी दिनों के बाद एक्चुअली मैं आने जाने वाला हूँ अभी वेव मॉल। लेट्स गो वेव मॉल। मास्क है तेरा? मास्क है तेरे पास? साइड से निकल, साइड से निकल। वेव मॉल कहीं मैं कभी कभी मैं यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा बाद में, और अभी हम एंटर करने वाले हैं वेव मॉल में। हियर द पार्किंग। आपको थोड़ी देर बाद। सो फाइनली हम लोग जा रहे हैं अभी बाहर, और
दोनों का है। जा रहे हैं हम वीवॉल्व से वापस। एक्चुअली जो मैं काम के लिए आया था वो हुआ नहीं और वो मिला नहीं, अब हमको जाना पड़ेगा भाई बस्ती एंड वहीं से मिलने वाला है अपन को GoPro का माइक एडाप्टर। थोड़ा आराम से स्लो स्लो स्लो। और ठंड देख रहे हो भाई, बहुत ठंड है, लिटरली बहुत ठंड है। मेरा काम हो नहीं पाया क्योंकि लेट में पहले एक्चुअली हो गया था, तो मैंने सोचा कि वेव मॉल से ही मिल जाएगा, बट वेव मॉल से भी नहीं मिला। तो अभी जा रहा हूँ मैं वापस, कल फिर जाएंगे अपन GoPro के माइक अडेप्टर की तलाश में। यार ये क्या कर दिया है, काफ़ी दिनों के भाई साहब, ये तो मैंने देखा नहीं क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आ रहा हूँ मैं यहाँ पर। काफ़ी सारी चेंजेस हुई हैं यार, और बाकी यार मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और आज तो हमारा काम हो नहीं पाया, अब करेंगे कल उसको, क्योंकि देखो टाइम पड़ गया, अमेज़ॉन में मिल नहीं रहा, अमेज़ॉन पे शो नहीं कर रहा और फ्लिपकार्ट पे है ही नहीं वो। तो अब देखता हूँ मैं कल जाके, क्योंकि मेरे को मैंने किसी से फ़ोन करके पूछा था तो उन्होंने कहा कि आप नई बस्ती मिल जाएगा, सो नई बस्ती में मिल जाएगा तो कल जाते हैं। अगेन बता दूं आपको, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो, कमेंट कर दो सब्सक्राइब, और कमेंट करके जरूर बताओ कि वीडियो कैसी लग रही है। स्टे सेफ स्टे हेल्दी, और मास्क वगैरह ज़रूर पहने जब भी आप बाहर निकलते हैं, क्योंकि कोविड बहुत फैल रहा है। सो काफ़ी सारे केसेज जम्मू में भी आ चुके हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना भी एंड अपने साथ में आपके जो भी हैं तो उनका भी ध्यान रखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।